तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि यदि आप भी एक नए क्रिएटर हैं, नए यूट्यूबर हैं एंड दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं एंड दोस्तों आपके चैनल पर अभी 100 सब्सक्राइबर के आसपास है, ओके फ्रेंड्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 100 सब्सक्राइबर के बाद हमें कुछ फीचर्स मिलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्हीं फीचर्स को आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब मैं इस तरह के लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो आप तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते बिना किसी देर की। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर यूट्यूब की तरफ से 100 सब्सक्राइबर होने के बाद हमें मिलने वाले जो फीचर है वो कौन कौन से फीचर है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, वहां से जाकर के मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दोनों फीचर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब दोस्तों, सिंपली सबसे पहला फीचर जानने के लिए मैं जाऊंगा अपने यूट्यूब पर एंड दोस्तों यूट्यूब पर जाने के बाद अपने चैनल के लोगों पर जाता हूँ और चैनल के लोगों पर जाने के बाद योर चैनल पर जाता हूँ। अब दोस्तों, योर चैनल पर जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो ये है फ़ोटो लगाई हुई है मैंने अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इसे चैनल बैनर कहते हैं। अब दोस्तों, ये चैनल बैनर आप तभी लगा पाते हैं अपने चैनल पर जब आपके 100 सब्सक्राइबर यानी कि 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। एंड दोस्तों, दूसरा फीचर मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा फीचर ये होता है कि मान के चलिए कि जो आपके यूट्यूब चैनल की लिंक होती है, ओके, तो फ्रेंड्स लिंक होती है तो लिंक को हमें कॉपी करना पड़ता है अपने यूट्यूब चैनल की लिंक को, ओके। लेकिन 100 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद दोस्तों आप अपने YouTube चैनल के लिंक को कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपने YouTube चैनल के लिंक को कैसे कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपली youtube.com, फिर यहाँ /c/rk2tech। दोस्तों, अब देखिए मेरे YouTube चैनल की लिंक जो कि कस्टमाइज करने के बाद बनी हुई है, तो सिंपली इतनी सी लिंक बनी हुई है, ओके। तो दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम अपने YouTube चैनल के लिंक को आसानी से याद कर सकते हैं और किसी को भी शेयर कर सकते हैं। हमें हर बार अपने YouTube चैनल के लिंक को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपली यदि मैं इस पर टच करता हूँ तो मेरा YouTube चैनल ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं, ओके। तो दोस्तों, जो आपके चैनल की लिंक होती है वो भी काम करती है और जो कस्टमाइजेशन वाली लिंक होती है यानी कि जो कस्टमाइज करते हैं आप वो वाली भी काम करती है, ओके। तो दोस्तों, यही दोनों खास बेनिफिट होते हैं जो कि 100 सब्सक्राइबर के बाद आपको मिलते हैं, तो बहुत अच्छे फीचर होते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही फीचर आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।